ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में बताया कि दिल्ली से देहरादून के बीच 210 किलोमीटर लंबा एक नया ग्रीन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे दोनों शहरों के बीच की दूरी केवल 3.75 घंटे में पूरी की जा सकेगी। इसमें अभी 5 घंटे से ज्यादा का समय लगता है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि इस मार्ग में लगभग 10 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड भी बनेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि कृषि कानून पर बातचीत हो रही है, आज नहीं तो कल उसका समाधान निकल जाएगा। नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए है, वो किसानों के खिलाफ नहीं है। नीतीश कुमार ने देश के बजट पर बोलते हुए कहा कि इस बजट से बहुत सपोर्ट मिलेगा इकॉनमी को। कोरोना संकट के बावजूद केंद्र सरकार अच्छा बजट लेकर आई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मौनी अमावस्या के मौके पर प्रयागराज स्थित संगम में डुबकी लगाई। संगम पहुंची प्रियंका गांधी ने मांझी के साथ खुद नाव की पतवार भी चलाई। नाव की पतवार चलाते प्रियंका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी कांग्रेस को अभी से मजबूत करने में जुट गई। देशभर में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 12,923 नए केसेस सामने आए हैं, 108 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 1,08,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं से पाए गए थे और उनमें से 1,05,00,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। संक्रमण से अब तक 1,55,000 से ज्यादा मौतें भी हुई हैं। आपको बता दें कि अब तक देशभर में 70,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन भी हो गया है। पश्चिम बंगाल के उगली में एक प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से काफी नुकसान हुआ है। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। जोधपुर की सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को बड़ी राहत दी है। उनके खिलाफ हथियार के लाइसेंस का गलत हलफनामा देने के मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार की अर्जी खारिज कर दी। सलमान इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े थे। सलमान के वकील ने कोर्ट में कहा कि सलमान शूटिंग में बिजी होने की वजह से हथियार के लाइसेंस के बारे में बताना भूल गए थे। आपको बता दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई में सलमान के वकील ने कोर्ट से गुजारिश करते हुए बताया कि 8 अगस्त 2003 को जो गलती से एफिडेविट दिया गया था, उसके लिए उन्हें माफ कर दिया जाए। एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म राम सेतु को लेकर चर्चा में हैं और अब खबरें आ रही हैं कि इस फिल्म में उनके ऑपोजिट जैकलिन फर्नांडिस दिखाई देंगी। हालांकि अब तक इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिल्म से जुड़े और करीबी सूत्र बताते हैं कि जैकलिन फिल्म राम सेतु में अक्षय के ऑपोजिट कास्ट कर ली गई है। रणबीर कपूर के फुफेरे भाई अरमान जैन कानूनी उलझन में फंस गए हैं। ईडी ने उन्हें टॉप्स ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन भेजा है। जांच एजेंसी जैन के घर छापा भी मारने पहुंची, जहां वे पत्नी अनीशा मल्होत्रा, मां रीमा जैन और बाकी सदस्यों के साथ रहते हैं। जॉन अब्राहम, अर्जुन कपूर, दिशा पाटनी और तारा सुतारिया स्टार फिल्म एक विलन रिटर्न्स के फर्स्ट पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। फिल्म अगले साल 11 फरवरी को रिलीज की जाएगी। फिल्म में लीड रोल निभा रहे जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर फिल्म की रिलीज डेट की जानकारी दी है। ये एक विलन फ्रेंचाइजी की अगली फिल्म है। फिल्म को मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर एकता कपूर हैं। साउथ के सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और अनन्या पांडे स्टार फिल्म लाइगर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है। यह फिल्म इसी साल 9 सितंबर को रिलीज होगी। फिल्म में विजय और अनन्या के अलावा राम्या कृष्णन, रोनित रॉय मुख्य भूमिकाओं में होंगी। फिल्म को 5 भाषाओं हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं। टीम को जो कोच हैं क्रिस सिल्वरवुड ने इस बात के संकेत दिए हैं। सिल्वरवुड ने कहा कि वो विनिंग टीम में बदलाव न करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर ये टीम और खिलाड़ियों के लिए अच्छा है तो बदलाव होने भी चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में टीवी अंपायर की एंट्री के बाद से नो बॉल काफी बढ़ गई हैं। यह मामला भारत और इंग्लैंड चेन्नई टेस्ट में भी गरमाया। इस टेस्ट में टीम इंडिया ने बॉलर्स ने 27 नो बॉल फेंकी थी। मैच की पहली पारी में भारत ने 20 नो बॉल फेंकी, जो कोरोना के बीच टेस्ट की वापसी के बाद एक पारी में सबसे ज्यादा है। अगस्त 2020 में टीवी अंपायर की एंट्री के बाद से आंकड़ों पर नजर डालें तो 9 टीमों ने 20 टेस्ट में 36,454 बॉलें की। इस दौरान गेंदबाजों ने 140 के औसत से 261 नो बॉल डाली, यानी हर 140वीं गेंद नो बॉल रही। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने चेतेश्वर पुजारा को भारत की नई दीवार बताया है। कमिंस ने बताया कि पुजारा की वजह से ही उनकी टीम को भारत से टेस्ट सीरीज गंवानी पड़ी। कमिंस ने बताया कि पुजारा ने 2 साल पहले की टेस्ट सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को खूब परेशान किया था। भारतीय स्टार महिला एथलीट हिमा दास को डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नियुक्त किया गया है। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल की कैबिनेट ने बुधवार को यह फैसला लिया। असम सरकार में इंडस्ट्री मिनिस्टर चंद्रमोहन पटोवरी ने बताया कि सरकार ने स्पोर्ट्स कोटे से क्लास 1 और क्लास 2 के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसमें हिमा भी शामिल है।
ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार लाइन जज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के चलते ऐसा किया है, जिससे कोर्ट पर कर्मचारियों की संख्या कम रहे। लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग को कोर्ट के चारों ओर रिमोट ट्रैकिंग कैमरों की मदद से लागू किया गया है। इसमें ऑटोमेटिक कैमरे की मदद से रियल टाइम में ऑडियो लाइन कॉल भेजे जा रहे हैं।